जो नए लोग आ रहे हैं एक्टिंग की फील्ड में, काफ़ी सारे लड़के दुनिया भर से, देश भर से मुंबई में आते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, खास तौर से उनके स्ट्रगलिंग पीरियड के लिए? पिछली बार जब हम मुंबई आए थे तो हमने आराम नगर में एक वीडियो शूट किया था जहाँ वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहते हैं, वो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव हुआ था, लड़कों ने बड़े दिल खोल के बातें की थी। उनमें से कुछ लड़के ऐसे थे जो था उनका भी अकीदा कि हाँ कुछ कर गुजरेंगे, कुछ ऐसे थे जो हिम्मत हार रहे थे, तो ऐसे किसी दौर में, क्योंकि स्ट्रगल का कोई एक नपेना नहीं होता कि आपको 2 साल करना है, 5 साल करना है, किसी का 4 महीने का हो सकता है, किसी का 20 साल में भी नहीं हो सकता है, तो उन जैसे लोगों के लिए आप एक क्या बताते हैं कि भाई ये देखो, ये वो पाथ है, इसको फॉलो करो? जो भी स्ट्रगल के लिए आते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, हम मिलते हैं बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, तो मेरी पहली उनसे दरख्वास्त यही होती है कि आप अपने लिए एक विंडो क्रिएट करिए, भाई मैं अगले 6 महीने में ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, कुछ एक प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए। सीढ़ियाँ तय करें, और जब आप खाली हैं तो उसके बीच में कुछ भी कोशिश करके कैसी किसी भी तरीके से कुछ सीखें ज़रूर, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे कोई भाषा है, चाहे वो कोई हिंदुस्तानी भाषा है या स्पेनिश है या कुछ और, अपने आप को, क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स क्या करते हैं कि वो चमत्कार के इंतज़ार में रहते हैं कि हमने ऑडिशन दे दिया और अब जाके पढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा सुनने में आता है जिन लोगों से, वो एक और दूसरी बार होती है कि वेब शोज़ हैं, वो देख लेने से कुछ हो जाएगा कि 24 घंटे 48 घंटे वो बिंज करेंगे, तो वो तो नहीं होने वाला है, उसको खाली देखने से नहीं होने वाला, तो आप अपने हेल्थ पर ज़रूर काम करें, एक्सरसाइज, वो बड़ी बड़ी ज्ञान बांटने वाली बात लगती है, लेकिन एक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो उसका शरीर है, इसके लिए मैं खुद, क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है तो मैं वो उस तकलीफ़ को मैं महसूस करता हूँ, कई बार बेबस लगता है कि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, मुझे डायरेक्टर को बोलना पड़ता है कि मैं ये तेज़ी से भाग के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगा या मैं डांस स्टेप नहीं कर सकता हूँ, तो वो मुझे इसमें ऐसा नहीं कि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ हुआ है, कि स्पॉन्डिलाइटिस पे किसी का बस नहीं होता है, वो हो जाता है, हेरिडिटरी है शायद ये वाला मेरा वाला तो, लेकिन बाकी चीज़ें भी लोग अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, पार्टी या बहुत ज़्यादा इंडलजेंस लाइफ के अंदर खाने पीने में, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और एक टाइम बाउंड स्ट्रगल की 6 महीना या साल भर, और अगर नहीं हो रहा है तो मैं फिर असिस्टेंट बन जाऊँगा या मैं राइटर बनूँगा, मैं कुछ और करूँगा और फिर से वापस रिविज़िट करूँगा मैं 2 साल बाद, ऐसा शायद होने से अच्छा, मैं मतलब ये फॉर्मूला नहीं है कि इसको फॉलो करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने जीवन में ऐसा किया, ये दिशा ज्ञान हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ करेंगे तो फायदेमंद, चमत्कार नहीं होता है, जादू कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो ये आपके जीवन का फलसफा भी लग रहा है कि जादू कभी नहीं होता है, जादू नहीं होता, जैसे मतलब ये, और उसको अगेन क्यों, देखिए ना, मैं 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद जाके इतनी इस तरह की मुझे इम्पोर्टेंट फिल्म मिल पाई, मेरे हाथ में आई और उसको जो सफलता मिली, तो वो रातों रात तो नहीं हुआ, रातों रात कुछ भी नहीं होता। आपने अभी फैमिली, ये मेरी फैमिली का जिक्र किया था वेब सीरीज़ का, उसमें भी एक बहुत सुंदर वाक्य है, मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ पर मुझे वो बहुत पसंद आता है, मैंने उसका प्रिंट आउट भी निकाला है, कि रातों रात सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, कई सारे रातें जाती है तब जाकर वो एक रात। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट बात है ये, बिल्कुल।